अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेवन ब्रेजेस पे हैं और एक ये नया प्रोजेक्ट आया है, करोला C100 2OD सैलून है। बेसिकली सैलून का तो कंफर्म नहीं है, बहरहाल 2D ज़रूर है। तो ये आई है बेसिकली एबटाबाद से और इसकी जो है बॉडी की रिस्टोरेशन होनी है। इसमें बेसिकली पेंट वर्क है, डेंट है, यानी कि डेंट पेंट का काम है इस गाड़ी में। अंदर से जेन्युइन है गाड़ी, बस बाहर से ये कि शावर होनी है। फ्रंट का GT का बम्पर लगना है, बैक का नया लगा चुके थे, पर ये कि इनकी बुकिंग पहले हुई थी ईद से पहले, तो ये अब गाड़ी आई है जब इसका टाइम हो गया पूरा। तो अभी आपको एक थोड़ी सी वॉक अराउंड करा देता हूँ, गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ। बेसिकली ये वाली साइड है, आपको नज़र आ रहा होगा पुटीन वगैरह, व्हील आर्च पे काफ़ी पुटीन सी है। उसके अलावा डोर्स वगैरह फी पुटीन वगैरह लगी हुई है और फिंडर्स पे भी है, पर ये कि चलें अब क्लियर करेंगे इसको, ज़ीरो बिल्कुल मेटल निकालेंगे इसका बाहर और फिर इस पर वर्किंग स्टार्ट कर लेंगे। तो ये फ्रंट है, फ्रंट से थोड़ी हमने खोल ली है, थोड़ा मैं लेट हो गया था, गाड़ी पहले की आई है तो बम्पर उतार लिए, लाइट्स वगैरह खोल ली, ग्रिल भी निकाल ली है। इंजन बे आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखें इंजन बे भी जेन्युइन है, बस ये एक ये बॉटल्स वगैरह चेंज हो, एक डिटेलिंग हो तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अंदर से आप बॉनट देखें, टोटल जेन्युइन पेंट में अपने, यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल पेंट में है बॉनट जो है। ये देखें स्टिकर्स वगैरह भी कंप्लीट लगे हुए हैं। ये वाली साइड आप देख सकते हैं फ्रंट, और ये आगे हम ड्राइवर वाली साइड पर, ड्राइवर वाली साइड भी तकरीबन क्लियर है। बस ये कि जिस भाई ने भी पहले इस पे पेंट वर्क की है, ज़रा डेंटिंग अच्छी नहीं की हुई और पुटीन वगैरह का यूजेज थोड़ा ओवर कर दी है, जिसकी वजह से ढलक नज़र आ रही है। अब आपको रिफ्लेक्शन में पता तो चल रहा होगा कि इसमें ढलक कहाँ पे, पिछले दरवाज़े में, अगले दरवाज़े में, टॉप का जो पूरा, यानी कि टॉप की जो लाइन्स जा रही है, पिछला व्हील आर्च जहाँ पर मैं इशारा कर रहा हूँ वो देखें। तो ये इस टाइप के इशूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह इसका यही है कि मैं दिखाना चाह रहा था बिफ़ोर एंड आफ्टर आपको दिखा सके हम, कि इस पर किस तरीके से काम हो रहा होगा और इसको किस तरीके से, यानी कि फ़ाइनल क्या लुक निकलेगी इस गाड़ी की। अंदर से इंटीरियर वगैरह दिखाता हूँ आपको, है पाकिस्तानी वेरिएंट है। अंदर AC लिमिटेड वाले डोर कार्ड लगे हुए, ऑटो मीटर जो है सैलून वाला लगा हुआ है, जो कि काफ़ी कम आता है आपको पता होगा। RPM वाला मीटर ज़्यादातर हमारी पाकिस्तानी गाड़ियों में नहीं है, इसमें ये कि 6000 RPM होता है। उसके अलावा डैशबोर्ड ठीक है कंडीशन वाइज, बस ये है कि वो लिस्टर वगैरह मेरकल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो शाइनी हो गया। तो बाकी अंदर से कपड़ा वगैरह फैब्रिक जो है इस पर नहीं है, इस पर रैगजीन लगी हुई है। तो ये मेरा ख्याल सैलून नहीं होगी, वरना इसमें कपड़ा ज़रूर आता। ये वो है, अब क्योंकि जो आपकी GL है या GLI है उसमें जो है ऊपर का कपड़ा जो आता है वो फैब्रिक होता है, लेदराइट नहीं होता। तो इधर अंदर से दिखा दें तो आपको ज़रा नज़र आ रहा होगा, अब क्लियर कलर गाड़ी का अंदर से भी भाई ने मैचिंग दी हुई है, यानी कि ब्लैक और ग्रे, रेड मैरून टच दिया हुआ है इंटीरियर में भी। स्पीकर बोर्ड भी सिंपल सादा वाला लगा हुआ है। रूफ़ आपको दिखाऊं तो रूफ़ देखें जी जेन्युइन पेंट में, रूफ़ को छेड़ा हुआ नहीं है, पर ये स्प्रे हुई भी माइनर सी, जिसकी वजह से आपको नज़र आ रहा होगा ये PGT फटी भी है और फेड सी हुई भी है। बैक पे ये अभी साथ साथ विकी काम कर रहा है, निकाल रहा है चीज़ें बम्पर वगैरह। ये फ्रंट का हमने सारा सामान निकाल लिया है। अंदर से अब ये कारपेट वगैरह ज़रा खोल लेता है तो फिर मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। इंजन भी आप देख चुके हैं, इंजन में जितना काम होगा वो थोड़ा सा कवर कर लेंगे, यानी कि इसमें यही है डिसमेंटल कितनी होती वो आपको नज़र आएगा साथ साथ। अपडेट्स में ये कि जी अभी बम्पर बैक का उतार लिया गया है, बैक लाइट्स उतार ली गई हैं, बैक आपको सारे लोगों नज़र आ रहे होंगे वो उतार लिए गए हैं गाड़ी से, बस फर्दर साथ साथ डिसमेंटलिंग स्टार्ट होगी जी। आज नेक्स्ट डे है, ये अभी आपको नज़र आ रहा है इंटीरियर का सारा सामान 2OD का निकाल लिया गया है, ये सारा पड़ा हुआ है। अंदर से डैशबोर्ड की कुछ चीज़ें और सीट्स वगैरह, कारपेट इस टाइप की चीज़ें, मैट्स वगैरह वो निकाल लिए। फर्दर अभी भी काम चल रहा है, डिसमेंटलिंग हो रही है साथ साथ। अंदर अभी आपको दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है गाड़ी की, अभी छत का कपड़ा भी उतारा जा रहा है। ये देखें जी
अंदर से जो है आपको नज़र आ रहा है, सारे डोर कार्ड्स वगैरह उतार लिए, इंटीरियर पूरा तकरीबन खाली हो रहा है। स्पीकर बोर्ड भी उतारना है ना, स्पीकर बोर्ड भी उतर जाएगा अभी, बस ये छत का कपड़ा उतार रहे हैं, सीट बेल्ट्स भी उतर जाएंगी, पैनल वगैरह जो चीज़ें निकालने वाली हैं सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। डैशबोर्ड बस शायद लगा रहेगा, स्क्रीन खोलेंगे मेरा ख्याल से, क्योंकि रबर वगैरह ज़ाहिर है वो प्रॉपर फिनिशिंग करनी होती है तो फिर ये चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। शील्ड्स वगैरह उतर गई हैं और वो सारी आ गई हैं ट्रंक में, ट्रंक के कारपेट वगैरह फिर एंड पे निकाल लेंगे, जब सारा अंदर वाला सामान पूरा हो गया तो बाहर का भी सारा सामान बाहर आ जाएगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा सामान है वो सारा बाहर आ जाएगा। तो बस ये सूरत हाल है करोला 2OD के। नेक्स्ट डे है और आपको नज़र आ रही करोला 2OD। इसकी नई फर्दर अपडेट्स ये कि ट्रंक वाला सामान भी सारा निकाल लिया गया, अंदर की हालत आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर है और अपने कलर में है। मेन चीज़ तो ये ज़ाहिर है इतना अच्छा तो नहीं है, पर जितना भी अपना पेंट है ओरिजिनल जो फैक्ट्री से, ये अंदर से डिक्की की जड़ पे भी आप देखें तो उस तरह ख़राब नहीं है, हमारी वाली गाड़ी की तो बहुत ही बुरी हालत है। ये वाली साइड पे अब नई अपडेट आपको नज़र आ रही है कि पेंट को उतारा जा रहा है, पील ऑफ करना स्टार्ट कर लिया गया है, बैक फेंडर हो गया, अब ये दरवाज़े पे हो रहा है, साथ साथ अगला और जो प्रोसीजर होता जाएगा इंशाल्लाह कवर करते रहेंगे। मज़ीद ये वाली साइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फ्रंट का जितना सामान था वो तो उतार चुके, विंडस्क्रीन वगैरह वो बाद में उतारेंगे। नेक्स्ट डे जी 2OD का दरवाज़ा रहता था फ्रंट का, कल आपने देखा था हाफ हुआ हुआ था फ्रंट वाला, वो भी कंप्लीट हो गया। इस साइड की जो तकरीबन सफाई थी फ्रंट फेंडर छोड़ के, तो ये हमारी हो गई है तकरीबन कंप्लीट, आपको नज़र आ रहा होगा। फिनिशिंग नहीं हुई है अभी, खाली पेंट पील ऑफ की है, ना डेंटिंग का कोई काम हुआ है ना कोई फर्दर कोई इस तरह की चक्कर है। दूसरी साइड पे चलते हैं पैसेंजर ड्राइवर साइड पे, चेक करते हैं वहाँ पे कितना काम हुआ है। तो ये देखें जी ड्राइवर साइड का दरवाज़ा आधा हो गया है, अब मज़ीद बैक का होना है, फिर बैक फेंडर होगा, फिर फ्रंट के दोनों फेंडर्स जो हैं उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो बस ये नई अपडेट्स टोयोटा करोला C100 2OD जो प्रोजेक्ट है बेसिकली रिस्टोरेशन का, बॉडी डेंट और पेंट का, बाकी जो थोड़ा बहुत बम्पर्स में चेंजेस आएंगे वो इंशाल्लाह फ्यूचर में देखते रहेंगे। एक्सपेंस के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा बताने वाली चीज़ें नहीं होंगी, पर कोशिश करेंगे जितना बता सके वो हम आपको बता देंगे, ऑनर जितना शेयर करना चाहें तो वो हम आपसे कर लेंगे। तो दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, फिर इंशाल्लाह होगी मुलाकात नई अपडेट्स के साथ नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।